हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में, वही क्वेश्चन है जो आप बीच में छोड़ देते हो, नहीं बनता, एग्जाम में जब आ जाता है तो फिर वो क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ता है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बैग में एक रुपये पचास पैसे तथा पच्चीस पैसे के सिक्के हैं। एक रुपये पचास पैसे, ठीक है, और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। चलिए इनका अनुपात भी है 1:4:4, 1:4:4 इनका अनुपात भी दे रखा है आपको, 1:4:4 का, ठीक है। चलिए एक रुपये का एक सिक्का होगा तो एक रुपया बनेगा, 50 पैसे के चार सिक्के होंगे तो दो रुपये बनेंगे, और 25 पैसे के चार सिक्के होंगे तो एक रुपया बनेगा। मैंने सभी को रुपये में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ये पैसे में थे, सबको रुपए में कन्वर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि बैग में जो संख्या है वो रुपयों की है। तो ये भी रुपया हो गया, अब ये भी रुपए हो गए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यूनिट अलग अलग नहीं रहेगी। तो बैग में कितने हैं, 840 रुपए हैं, और अनुपात में कितने रुपए हैं, 1, 2, 3 और 1, 4। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4 और 1 = 0, यानी कि 210 बार में आपका डिवाइड हो गया। जो पूछ रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। आपसे पूछा गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो भैया 25 पैसे का अनुपात आपका कितना था, 4 था ना, तो 4 से कर दो मल्टीप्लाई 210 का, ठीक है, कर दो आप, आंसर आ जाएगा। 4 का 0 से करो तो 0, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी कि 840 सिक्के हैं 25 पैसे के। अब आप ये मत कहना कि 840 तो टोटल है, ये रुपए हैं 840 रुपए हैं, और ये पैसे निकल के आए हैं 840, ये पैसे निकल के आए हैं, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया, 840 यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। अगर आपसे 25 की जगह 50 पैसे का पूछ लेते तो 50 पैसे का अनुपात 4 है, एक रुपये का पूछ रहा तो 1 से गुणा कर देते, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे ये दिए गए आपको। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यहां पे मैंने रुपए में क्लियर करूंगा, क्या करूंगा, रुपए में करूंगा, लेकिन इनका अनुपात दे रखा मुझे 5, 9 और 4 का मुझे अनुपात इनका दे रखा है, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, ये पैसे का अनुपात है ना, मैं रुपए में इनको बदलूंगा क्योंकि आपके पास रुपए का योग है। तो देखिए 50 पैसे के दो सिक्के बनेंगे तो एक रुपया बन जाएगा, तो ये भी रुपए में कन्वर्ट हो गया। 25 पैसे के चार सिक्के एक रुपया होता है, तो मैं 25 पैसे के चार सिक्के ले लूंगा तो एक रुपया हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही 10 पैसे के मैं 10 सिक्के ले लूंगा तो ये भी एक रुपया हो जाएगा। तो क्लियर हो गया आपको रुपए में कन्वर्ट। अब 2, 4, 10 का आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 20, 2 से काटो 20 को 10 बार में जाएगा, 10 कमले 5 से करो तो 50, प्लस 4 से कटाएंगे 20 को 5 बार में जाएगा, 5 कमल पे 9 से करेंगे तो 45, 10 से कटाएंगे 20 को 2 बार में जाएगा, 2 कमल पे 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न में क्या कहा गया कि जिनका योग 206 है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। चलिए इनका योग कर लीजिए, पहले कितना है, 50 और 45 95 में 8 जोड़ो 103, बटे में कितना 20, इनका योग आपका 206 है, ठीक है। चलिए 103 से 206 आपका दो बार में कटेगा और 20 कमल पे 2 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40। आपसे पूछा क्या गया है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे का अनुपात कितना था, 5, तो 40 कमल पे 5 से कर दूंगा तो ये हो जाएगा 200, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। तो क्लियर है सभी को क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंगूर में 33.1/3% पानी है, कितना पानी है भाई, 33.1/3% पानी है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/3, फ्रैक्शन वैल्यू, इतना पानी का मतलब है इतना पानी है, ठीक है। और ये किशमिश,
किशमिश में बोला है 16.2/3% पानी है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, देखना इतना पानी है। देखिए कोई भी एक अंगूर का निकालना है, हम ये अंगूर ले लो, ये किशमिश का निकालना है, ये के ले लो, ए फॉर अंगूर के फॉर किशमिश, इस तरीके से समझने के लिए। अब कोई एक अंगूर है, एक अंगूर है कोई, उसमें क्या है 1/3 पानी है, तो मैं पानी की मात्रा को उस अंगूर में से घटा दूंगा तो मेरे पास सूखा अंगूर बचेगा। 3 × 1 = 3, 3 में से 1 गया तो 2/3, यानी कि सूखा अंगूर कितना बचा 2/3। ऐसे यहाँ पे भी मेरे पास कोई एक किशमिश है, ये पानी की मात्रा मैं उसमें से घटा दूंगा, 6 × 6 = 6, 6 में से 1 जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखना ये अंगूर मेरे पास कितना बचा 2/3, 2/3 बचा बराबर, किशमिश कितना बचा मेरे पास, मेरे पास किशमिश कितना बचा, किशमिश बचा 5/6। अब देखना 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, इधर ए, मैं के को इधर लेके आऊंगा बराबर के, तो इसके बटे में के हो जाएगा बराबर, इधर कितना बचा 5, 2 को इधर लेके जाऊंगा तो 2 × 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि अंगूर की वैल्यू 5 आ गई, के की वैल्यू 4। अब देखना के फॉर किशमिश, तो आपके पास 180 किलो किशमिश है, कितना 180 किलो किशमिश, तो किशमिश कितना आया 4 आया है, और कितना दे रखा है 180 किलो चाहिए, तो 4 से 180 कितने गुना पर है नहीं पता होता है तो डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 × 16 2 × 20 4 × 5 20 यानी कि 45 गुना है। जब किशमिश 45 गुना तो अंगूर भी कितना करेंगे आप 45 गुना ही करेंगे, 45 गुना, तो 45 × 5 कितना होता भाई 225 होता है, 225। तो आपसे पूछा क्या था कि अंगूरों की आवश्यकता होगी, कितने केजी अंगूरों की आवश्यकता होगी, 225 की आवश्यकता होगी, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल, अगला प्रश्न है ए और बी की आय 3:2 के अनुपात में है और उनके व्यय का अनुपात 2:1 है, यदि उनमें से प्रत्येक 1500 रुपये की बचत करता है तो ए की आय ज्ञात कीजिए। दो व्यक्ति हैं आपके पास ए और बी, ठीक है, इनकी आय का अनुपात है, आय का यहां लिख लेता हूं मैं, आय, आय का अनुपात है आपके पास 3:2, 3:2 का मतलब है ए 3 रुपये कमाता है तो बी 2 रुपये कमाता है, ठीक है, और उनके व्यय का अनुपात है, व्यय यानी कि खर्च, व्यय होता है खर्च, व्यय का अनुपात है 2:1, यानी कि ए 3 रुपये कमाता है 2 रुपये खर्च कर देता है, बी 2 रुपये कमाता है 1 रुपये खर्च करता है, तो बचाते कितना है ये, ए ने 3 कमाए 2 खर्च कर दिए तो 1 बचाया, बी ने 2 कमाए 1 खर्च कर दिया तो 1 बचाया, दोनों अनुपात में कितना बचा रहे हैं, दोनों बचा रहे हैं 1, और रुपए में कितना बचा रहे हैं 1500 रुपये बचा रहे हैं, 1 का मान 1500, तो पूछा क्या है कि ए की आय ज्ञात कीजिए। भाई ए की आय का रेशियो कितना है 3, जब 1:1500 तो 3:1 कितना हो जाएगा भैया 4500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखेंगे अगला सवाल, अगला प्रश्न है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है, यदि आय की मासिक आय 14,500 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। देखिए हमारी जो आय होती है, जो हम कमाते हैं उसी में से तो हम खर्च करते हैं और उसी में से बचत करते हैं, भाई जो हमने कमाया उसी में से खर्च करना है और उसी में से बचत हमको करनी है, ठीक है, खर्च और बचत का रेशियो 26:3। एक बात और याद रखना, हमें देखिए पहले खर्च दिया गया तो पहले खर्च लिखेंगे, बाद में बचत दिया गया तो बाद में बचत, अगर मैं बचत को यहां लिख लूंगा खर्च यहां लिख लूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन रेशियो आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि पहले खर्च दिया गया तो पहले वाला रेशियो खर्च का ही है, ठीक है, तो खर्च का रेशियो 26 है और बचत का रेशियो 3 है, यही तो है रेशियो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितने के बराबर हो जाएगा, आय के बराबर हो जाएगा, यानी कि देखिए किसी व्यक्ति ने कितने रुपए कमाए 29 रुपये कमाए, किसी व्यक्ति ने 29 कमाए उसमें से 26 कर दिए खर्च तो बचे कितने 3, तो खर्च और बचत दोनों मिलाकर के आय होता है, तो आय उसकी 29 रुपये है, ठीक है। अब देखना आय कितनी है 29 और मासिक आय कितनी है 14,500 है, आय कितनी आपकी 14,500 है रुपए में, आज 14,500 अनुपात में है 29, तो कटा लो भाई इस आय में, इस आय से डिवाइड कर दो, 29 से
पांच बार में 145 कटेगा और दो जीरो यानी कि 500 आ जाएगा। कितना आ गया भैया? 500 आ गया। पूछा क्या है? उसकी मासिक बचत कितनी है? बचत का रेशियो 3। जब 500 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1500। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, ए और बी की मासिक आय 6000 रुपये तथा 8000 रुपये है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी आय है 6000 रुपये, यानी कि ए कमाता है 6000 और बी कमाता है 8000 रुपये। यदि उनके खर्च 70% तथा 80% हो, यानी कि ए का खर्च 70% हो गया, बी का खर्च हो गया 80%, दोनों की बचत का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, जो भी इनकम होती है, जो भी हम कमाते हैं, वो अपने आप में पूरा 100% होता है। चाहे 6000 कमाएं, चाहे 7000, चाहे 8000, चाहे 10000, कितना भी कमाएं, वो अपने आप में पूरा 100% है। 100% में से ए अपना 70% खर्च कर रहा है। कमाया कितना उसने? पूरा 6000। 6000 का 70% खर्च कर दिया तो उसने बचाया कितना? 30% बचाया कि नहीं बचाया? 70% खर्च कर रहा तो बचाया कितना उसने? 30%। और बचत का ही तो पूछ रहा है, खर्च का नहीं पूछ रहा। 30% बचा रहे हैं तो 6000 का 30% निकालो। परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0, 6 का 18 और 2 0 आपके आ गया, यानी कि 1800 उसने बचाए। बचत कितनी की है ना? 1800 रुपये की। बी 8000 रुपये कमाता है और खर्च कर रहा है 80%, तो बचा कितना रहा है वो? 20% बचा रहा है, तो बचत ही निकालनी है हमें तो। 0 से 0 गया, 0 से 0, 8 दुने का 16 और 2 जीरो यानी कि 1600, तो बी ने कितने बचाए? बी ने बचाए 1600। इनका अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, ठीक है। चलिए, 2 से कटाऊंगा 9 बार में, 2 से कटाऊंगा 8 बार में, तो 9:8 आपका बिल्कुल सही जवाब है। 9:8 पहला ऑप्शन सही। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।